दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ सीधी और अभी मैं हूँ निवाड़ी तिगैला पर। दोस्तों, मुझे जाना है सीधी क्योंकि दोस्तों जो बैगन होते हैं उसकी जो पिकअप होती है वो क्या बुलेरो, वो जा रही है अभी लोड होकर, तो उसी में मुझको जाना है और ये पूरी रात भर की जर्नी है वो होने वाली है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और ये 4-5 दिन का टूर होगा तो अलग अलग वीडियो आएंगे छोटे छोटे, तो वो भी आप देखते रहना। और क्योंकि दोस्तों बहुत ही शानदार जर्नी होने वाली है तो इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड दोस्तों, अभी मैं निवाड़ी तिगैला से जा रहा हूँ सीधे रीवा, रीवा से जाऊँगा सीधे, सीधे से जाऊँगा सतना, सतना से जाऊँगा मैहर, मैहर माता के दर्शन करने के बाद फिर निकलूँगा मैं घर। तो 4-5 दिन का जो पूरा टूर है वो होने वाला है, तो आप वीडियो को लगातार देखें, बहुत ही शानदार मज़ा आएगा, तो वीडियो को आप एंजॉय करें। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खजुराहो से 5 किलोमीटर आगे और ये है कुशवाहा ढाबा और हमारी ये रखी है गाड़ी पीछे, इसी से हम लोग आए हैं। और अभी शानदार जो मौसम है वो हुआ है और अभी बजे हैं रात के 10:30, आप देख सकते हो, तो अभी काफ़ी मौसम है अच्छा। और अभी हम लोग पहुँचेंगे सुबह 4 बजे रीवा, तो अभी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग गाड़ी में, बहुत ही ठंडी हवा लगती है गाड़ी के अंदर। तो अभी यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनको भी खाना खाना है, तो अभी खाना खाएंगे और अभी चलते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं हम आपको, बहुत इंजॉय करेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग ढाबा पर रुके हैं, जितने भी जो ट्रक से और पिकअप से जो लोग हैं जो लंबा सफ़र करते हैं वो यहाँ पर खाना पीना खाते हैं। देखिए बड़ी मस्त खटिया डली है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आराम करेंगे कम से कम 1 घंटे, फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे रीवा के लिए। तभी यहाँ पर हम लोग खटिया पर लेटे हुए हैं और हमारे भाई भी आ चुके हैं, तभी वो उनको खाना खाना है, मैं तो खाना पीना खा के आया हूँ और हमारे भाई आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे हम लोग। तभी हम लोग दोनों लेटे हैं, फिर इसके बाद निकलेंगे हम लोग रीवा के लिए, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अभी रात के 10:30 बजे चाय पी रहे हैं हम लोग और हमारे जो भाई हैं वो खाना खा रहे हैं, तभी हम चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोस्तों, अभी बजने वाले हैं 12 और अभी हो गया है टाइम दोस्तों 11:40, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रीवा के लिए। ये कड़ी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, अभी चलते हैं, कम से कम अभी हम लोगों ने 1 घंटे 10 मिनट अभी रेस्ट कर लिया है, तो निकलते हैं हम लोग और इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं पन्ना से आगे देवेंद्र नगर और अभी बजे हैं 1:00, तो अभी हम लोग बाथरूम के लिए रुके थे, गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है, तो अभी चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं इस जर्नी में, और भी मज़ा आएगा अभी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रीवा सब्जी मंडी और हम लोगों की जो पिकअप आई थी बैगन की वो भी खाली हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़े स्तर पर सब्जी का कारोबार किया जाता है। यदि आपको 1 ट्रक 20 सब्जी चाहिए तो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी प्रकार की सब्जी चाहिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए अभी ये पीछे हमारे लौकी रखी हुई है, ऐसे बहुत सारे जो फॉर्म बने हैं यहाँ पर, सभी की जगह पूरा जो सब्जी का कारोबार है वो चलता है, तो बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है सब्जी बिकती है, वो आप देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, सुबह के अभी 5 बजने वाले हैं कुछ टाइम में, तो अभी सुबह होने का इंतजार करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सुबह सीधी निकलेंगे और उसका जो ब्लॉग होगा वो अलग होगा। तो अभी 4 दिन का जो टूर है वो होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा सा अलग अलग होगा, तो वीडियो को आप एंजॉय करते रहिए और इस वीडियो को भी आप सुबह तक देखिए, फिर इसके बाद एक नया वीडियो स्टार्ट होगा सीधी जाने का, वहाँ का पूरा जो ब्लॉग मैं बनाऊँगा और उसका भी मैं जो वीडियो है वो मैं डालूँगा। तो अभी हम लोग रीवा की सब्जी मंडी में और बहुत बड़े स्तर पर जो कारोबार है वो चलता है। दोस्तों, अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और अभी हम लोग हैं रीवा मंडी के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर यदि 1 ट्रक भी सब्जी आती है तो 5 से 10 मिनट में पूरी सब्जी है वो बिक जाती है, इतनी बड़ी मंडी है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी जो पिकअप गाड़ी है और जो आईसा ट्रक हैं बहुत सारे जो भर के आते हैं और यहाँ से लोड होकर चले जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर जो सब्जी का कारोबार है वो किया जाता है। तो अभी इसी मंडी में हम लोग आए थे आज और मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस किया है इस मंडी का, और क्योंकि हम पेपर देने के लिए आए हैं थोड़ी ना ऐसी सब्ज़ी बेचने के लिए आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इतना बड़ा जो मंडी है वो देखा सब्जी वाला। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे फल और सब्जियाँ बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर बेची जाती हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो 2 बजे से यहाँ पर खरीदने के लिए आ जाते हैं सब्जियों को और फलों को।
अभी दोस्तों मैं हूँ रीवा सब्जी मंडी में और मैं निकल रहा हूँ सीधी, क्योंकि मेरा कल पेपर है। तो अभी मैं निकल जाता हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यहाँ से एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं भोगों का, सीधी का। तो अभी जो हमारी पिकअप रखी है वो निकल रही है झांसी, ये जा रही झांसी गाड़ी, और मैं निकलूँगा सीधी के लिए और पहुँचूँगा शाम तक। तो अभी मैं आपको पूरा जर्नी है वो दिखाऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर, इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए।